नमस्कार, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे साइंस की जो आपको ये बताएंगे कि क्या आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी अटैचमेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा हमारी एनर्जी बॉडी है। जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी है, इसी प्रकार से हमारी एक एनर्जी बॉडी भी होती है। तो ये ऑरा हमारे शरीर के चारों तरफ होता है, लगभग 6 फीट के दायरे में। ऑरा क्लिंजिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये फिजिकल बॉडी क्लिंजिंग। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 10 साइंस हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपके ऑरा में कहीं नेगेटिव एनर्जी अटैचमेंट तो नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 है फीलिंग लो वाइब्रेशन एनर्जी कॉन्स्टेंटली। यदि आप लो वाइब्रेशन एनर्जी को हमेशा महसूस करते हैं, खुद को लो फील करते हैं, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, खुद को हमेशा इसी लूप में पाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपके ऑरा में एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी अटैचमेंट है। कोई ना कोई ऐसी कॉर्ड अटैच्ड है जो आपको ड्रेन कर रही है कॉन्स्टेंटली। पॉइंट नंबर 2 है कि आप लो और लेजी फील करते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, आप उसको लगातार टालते रहते हैं। यदि आप ऐसे हैं तो चांसेस आर कि आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी अटैचमेंट है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है नेगेटिव थॉट्स। आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, आप जितनी भी कोशिश कर लें उनसे छुटकारा पाने की या पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की या कुछ पॉजिटिव करने की, फिर भी घुमा फिरा के आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है। यूजुअली ये फॉर्म की स्पिरिट भी होती है जिसे हम आर्कॉन्स बोलते हैं, और ये हमारे साथ थॉट फॉर्म में अटैच होते हैं क्योंकि इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता और ये खुद को भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और ये सोर्स से डिसकनेक्टेड हैं। इसलिए ये इंसानों के साथ थॉट फॉर्म में अटैच हो जाते हैं। तो इनका कॉन्स्टेंटली काम यही होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स में उलझा के रखना ताकि आपकी वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली लो रहे और ये आपकी नेगेटिव एनर्जी में पे फीड कर सके, राइट? तो चौथा पॉइंट है नॉट एबल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप चाहकर भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाते, आपका दिमाग आपको उलझा के रखता है, कभी पास्ट के इंसिडेंट्स में या फ्यूचर के इंसिडेंट्स में। आप कॉन्स्टेंटली पास्ट के बारे में सोचते हैं, किसी ने कुछ कह दिया था या कुछ कर दिया था या कुछ हो गया था, उसी के बार बार आपको विचार आते रहते हैं, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, कैसे होगा। तो ये पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट मोमेंट को गवा देते हैं। यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो फ्यूचर की नींव हम रखते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रखते हैं, और यदि हम प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं हैं तो फ्यूचर की नींव हम कभी रख ही नहीं सकते, राइट? तो इसके साथ ही चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो है लैक ऑफ फोकस ऑन वन गोल। मतलब आप कभी भी एक गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने एक गोल सोचा, उस पे काम करने की कोशिश करी और तुरंत ही आपको लगा अरे ये नहीं हो पाएगा, आप दूसरे गोल की तरफ, फिर तीसरे, चौथे। मल्टीपल इनर चैटर्स का आप सामना करते हैं, एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके ऑरिक फील्ड में नेगेटिव एनर्जी अटैचमेंट है, क्योंकि वो आपको एक गोल पे फोकस होके आपको सक्सीड होने नहीं देना चाहते, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली भटकाया जाता है इधर उधर के बारे में सोचने पर। तो छेवां जो पॉइंट है वो ये है कि
यू आर नॉट एबल टू मेक राइट डिसीजन. जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं. आप कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन आपका लिया गया डिसीजन गलत साबित होता है और उससे नेगेटिव आउटकम ही निकल के आता है. तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी अटैचमेंट है, जो कि आपको आपके लिए क्या सही है, आपके अपनों के लिए क्या सही है, वो डिसीजन लेने के पथ से भटकाती है. ये एनर्जीज का काम ही ये होता है कि आपको सही रास्ते से भटका के आपकी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी में लगा के रखना और कॉन्स्टेंटली उसे ड्रेन करते रहना. इसके साथ ही चलते हैं पॉइंट नंबर 7, जो है नॉट एबल टू क्विट एडिक्शंस. अगर आप एडिक्शंस के साथ डील कर रहे हैं और उनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली बहुत समय से, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये तो एक डेफिनेट साइन है कि देयर इज अ नेगेटिव एंटिटी अटैचमेंट इन योर ऑरा, जिसको उस एडिक्शन से मज़ा आता है और वो आपको कॉन्स्टेंटली उस एडिक्शन में फंसा के रखना चाहते हैं, राइट? तो पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग ड्रेन्ड अराउंड सर्टेन पीपल, मतलब कुछ लोगों के आसपास जब आप होते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील होता है, आपकी एनर्जी जैसे पूरी चली गई है, आप बहुत लो और वीक महसूस करने लगते हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपके ऑरा में या तो कोई कॉर्ड है जो आपकी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली ड्रेन करती है, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी अटैचमेंट है, राइट? तो पॉइंट नंबर 9 है, You're always finding yourself back to square one even after working so hard. आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपने किसी टास्क पे, किसी प्रोजेक्ट पे अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो आप वापस से अपने आप को उसी जगह पे खड़ा पाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी. No matter how much efforts you put in, आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं. तो ये एक साइन है कि आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. अब चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ. तो 10th पॉइंट इज दैट यू आर फीलिंग दैट होल वर्ल्ड इज योर एनिमी, मतलब कि आपको लगता है कि मैं जहां जाता हूं, जिससे मिलता हूं, सभी मेरे दुश्मन हैं. इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी सपोर्ट करता है या मुझे समझता है या मेरे साथ खड़ा होता है. देयर इज नो पीस, देयर इज नो हार्मनी. आप कहीं पे भी पीस और हार्मनी को नहीं पा सकते, आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और आपको लगता है जैसे होल वर्ल्ड हैज टर्न इट्स बैक ऑन यू, राइट? तो यदि ऐसा है तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी अटैचमेंट है जो आपको ऐसा महसूस करवाती है, ताकि आप सभी से कट ऑफ रहने लगे और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर पाना बहुत आसान हो. तो यदि आपको ये साइंस सिम्टम्स अपने में दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपना ऑरा क्लिंस करना है. जैसा हमने शुरुआत में बात की कि ऑरा को क्लींस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस फिज़िकल बॉडी को क्लींस करना. तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आप क्या करेंगे, आप खुद का ऑरा क्लींस करेंगे. इसको क्लींस करने का एक तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप मेडिटेशन करें. मेडिटेशन के थ्रू आप अपना ऑरा क्लींस कर सकते हैं. इसके लिए यूट्यूब पर ऑरा क्लींसिंग मेडिटेशन है, मैं आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली. कम से कम एक महीना उसको यूज़ कीजिए तो आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा और आपको ये एंटिटी अटैचमेंट से छुटकारा मिलेगा. और दूसरा माइंडफुलनेस, कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये आप नहीं हैं, ये आपके विचार नहीं हैं, इसलिए आप तुरंत उन विचारों को
बदल कर रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव विचारों के साथ। तो जब आप ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तब भी आप देखेंगे कि उन एनर्जीज का आपके ऊपर कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ इनसाइट मिली होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेम्बर लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।